अपनी 19,000 किलोमीटर की भारत यात्रा करते हुए मैं पहुंच चुका था महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में मौजूद एक छोटे से गांव में जिसका नाम है, बताता हूं रुको, पर अजीब बात यह है कि मैं यहां पर आना ही नहीं चाहता था। ना 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 ना, नाम तक नहीं पता था मुझे इस जगह का। हुआ यूं कि कल जब मैं मुंबई में अपने दोस्त को गुड बाय बोलकर कोंकण की तरफ बढ़ा तो दिमाग में ये था कि अलीबाग पहुंचकर 2-3 दिन एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन ठंड के मौसम में भी प्रचंड गर्मी और उमस की वजह से डिहाइड्रेट होती बॉडी ने मुझे अलीबाग में रुकने ही नहीं दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो मौसम कुछ बेहतर हुआ और पता चला कि मैं कोंकण क्षेत्र की पहाड़ियों की गोद में राइड कर रहा हूं। पता नहीं दिमाग में क्या आया और मैंने मैप लगा दिया गोवा का, जो इस जगह से 480 किलोमीटर दूर था। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती गई और शाम ढलने के साथ ही मेरी एंट्री हो जाती है कोंकण के घाटों में, जिसे हम नॉर्थ इंडिया में घाटी या वैली बोलते हैं। एकदम सुनसान वीरान रास्ता और कान में बस झिंगुर की आवाजें गूंज रही थी। भाई जैसे तैसे अंकल जी के पीछे पीछे 2 घंटे राइड करने के बाद मैंने इस घाटी को पार कर लिया और पार करते ही जो मुझे सबसे पहला होटल दिखा वहीं पर एक कमरा ले लिया। उसी कमरे की बालकनी से आप सबको गुड मॉर्निंग, महाराष्ट्र के खेड़ टाउन में आपका स्वागत है। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कोंकण बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। दिस विलेज इज कॉल्ड खेड़। खेड़ का नजारा कुछ ऐसा है, देखो ये मेरे होटल के पीछे का बैकयार्ड है। अब यहाँ से अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी गणपति पुले की तरफ। अभी बाइक पर लोड करते हैं सामान, निकलते हैं गणपति पुले की तरफ और मैं आपको रास्ते में समझाऊंगा कि ये क्या है, ये क्या ही खूबसूरत जगह है। चलो ब्रेकफास्ट में आधा जग पानी के साथ चाय और पोहा खाकर अपनी राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये एक बहुत ही रिमोट एरिया है इन द कोंकण बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। सामने पहाड़ है, उस पे जंगल है पूरा, ऐसे वाला नंगे पहाड़ नहीं है। और सोचो ये मॉनसून के टाइम में क्या लगता होगा यार इधर। इस घाट का नाम है भास्ते घाट, तो जब भी वैली आती है वैली को यहाँ पे घाट बोलते हैं। और यहाँ से गणपति पुले 115 किलोमीटर है, 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। मेन यहाँ पे बस एक कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा आपको होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे ठहरने के लिए। आपको यहाँ पे लॉजिंग का सिस्टम है, पे लॉज करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। लॉजिंग का सिस्टम ये रहता है कि नीचे आपका थोड़ा बार बार रहेगा, खाने वाने का रहेगा और ऊपर नॉर्मल सा रूम रहेगा। अब इधर देखो नारियल पानी वगैरह बहुत मिलेंगे यहाँ पे, और भाई इतना सस्ता नारियल पानी है ना, 30-30 रुपये मैंने पिया है नारियल पानी। इधर एक और चीज़ मिलता है, उसका नाम है नीरा। तो नीरा क्या होता है कि ताड़ के पेड़ से आता है। अब नारियल का पेड़ जितनी हाइट होती है उससे ऊंचा होता है ताड़ का पेड़। ताड़ के पेड़ से वो लोग तोड़ के लाते हैं और ठंडा और इतना फ्रेश होता है ना, मतलब ओह मज़ा आ जाता है। आगे का मंजर आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अपील करना चाहता हूं दोस्त। जो मैं राइड कर रहा हूं ना, इसमें मैं अकेले नहीं हूं, ठीक है? आप सब लोग जुड़े हुए मेरे साथ, हमारे इस मिशन के साथ। और मिशन क्या है कि वृंदावन में वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेंपल बन रहा है 700 फीट का, भगवान कृष्ण के लिए। और मैं ये राइड कर रहा हूँ उनके ही लिए, उसी टेंपल के निर्माण के लिए फंड रेज करने के लिए मैं पूरी राइड कर रहा हूँ। रोज भाई 10-12 घंटे की राइड होती है, उसके बाद 4-5 घंटे की एडिटिंग होती है। तो मैंने अपनी तरफ से यार पूरा झोंक दिया खुद को इस पर्पस के लिए, इस मिशन के लिए। कृष्ण भगवान का जो मंदिर बन रहा है उसमें फंड रेज होना चाहिए, मंदिर निर्माण के लिए जो पैसा लगता है वो जुटना चाहिए अपनी इस राइड के थ्रू। मंदिर ने, कमेटी ने बहुत ट्रस्ट किया है हमारे कम्युनिटी पे, हमारे बाइकर कम्युनिटी पे, आप लोगों पे जो कि ऑडियंस देखती है इसको। सो यार यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिंक है वहां पर जाओ, उस लिंक पर जाके मंदिर निर्माण में अपना योगदान करो। जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 101 रुपये से डोनेशन स्टार्ट है, 10 स्क्वायर फीट तक आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि यार फंड रेजिंग करते हॉस्पिटल के लिए करते, स्कूल के लिए करते तो हम इसमें कंट्रीब्यूट करते। तो भाई साहब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मंदिर रोज डेली 125,000 बच्चों को खाना खिलाती है, 500 से ज़्यादा गाय हैं इनके गौशाले में जिसकी देखभाल की जाती है, और भी बहुत काम होता है इस मंदिर के थ्रू, वो सब मैं आगे की वीडियोस में आपको बताते रहूँगा। और फिलहाल के लिए 2 काम मैंने आपको गिना दिए हैं, तो ये मत समझो कि जस्ट द टेंपल, टेंपल बनेगा उसके आसपास इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे। सिर्फ टेंपल तक लिमिटेड नहीं है भाई, उस एरिया के पूरे प्रॉस्पेरिटी के लिए वृंदावन में भारत को प्रेजेंट करने वाला जो स्मारक बन रहा है उसके लिए ये राइड हो रही है। तो आप लोग से बस यही विनती है कि यार अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो जाके। हरे कृष्णा। साला गूगल दिखा रहा कि इधर मुड़ जाओ, घुस जाओ इधर। चलो अभी लगता है हाईवे को छोड़ दिया हमने, टाटा बाय बाय कर दिया, अब हम एक गांव से होते हुए निकल रहे हैं। जहाँ गूगल मुझे लेके जा रहा है वही फॉलो कर रहा हूँ यार, क्योंकि ये जो एरिया है ना इधर ज़्यादा अपना दिमाग लगाने का नहीं, जहाँ गूगल लेके जाता है उधर जाओ, क्योंकि इधर के जो गाँव है अगर आप गाँव से भी होके जाओगे तब भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे।
अब इस पुल के ऊपर से आसपास का नजारा कुछ ऐसा दिखता है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ और बीच से बहती हुई वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी रिवर आती है वेस्टर्न घाट से और फिर जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। मेरे को जाना गणपति पुले। यहाँ ऑटो वाले भैया मुझे बता रहे हैं कि कैसे आप इस जगह से एक नाव में बैठकर गणपति पुले जा सकते हैं। गाइस मैं एक चिपलूड़ के चौराहे पे खड़ा हूँ और ये देखो ये यहाँ पे बड़ी क्यूट सी बेकरी शॉप है। यहाँ पे क्रीम रोल वगैरह मिल रहा है, बिस्किट मिल रहा है, चाय मिल रहा है। पर भाई साहब के भाषा में 80% मराठी शब्द थे, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो मैंने गूगल मैप को ही फॉलो करना बेहतर समझा। अच्छा पहाड़ों में क्या होता है कि जब मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, हिमाचल के जो गांव होते हैं ना, गांव में पॉपुलेशन होती है, मतलब घर होते हैं एकदम पास पास बहुत सारे घर। बट ये वाला जो पहाड़ है, जो कोंकण के पहाड़ है, इसके अगर आप किसी गांव में जाओगे तो मतलब एक घर मिलेगा, फिर बहुत डिस्टेंस पे दूसरा घर मिलेगा और बहुत ऊपर ऊपर घर है, तो थोड़ा सा अलग लैंडस्केप है ये। फ्रीक्वेंट आपको लोग नहीं दिखेंगे इधर। भैया गूगल मैप बोल रहा है कि तुम इधर से चलो, वो रोड छोड़ दो, इधर से चलो। यहाँ से रह गया 30 किलोमीटर और मेन हाईवे मैंने छोड़ दिया। अब मैं गांव के बीच से होते हुए निकल रहा हूँ गणपति पुले की तरफ। यहाँ के गांव बहुत सुंदर है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल सुंदर है। ये देखो एक छोटू सा क्यूट सा ब्रिज। वेलकम टू कोंकण। घड़े हरियाली के बीच से अपन राइड कर रहे हैं अभी। क्या शानदार छोटे छोटे घर दिख रहे हैं मेरे को। गणपति पुले इधर जाएगा, बनाची वाड़ी इधर जाएगा। यार ये कैसा रास्ता है भाई साहब, तो लग रहा बहुत नेक्स्ट लेवल एडवेंचरस रास्ता है भैया। चढ़ाई यार, एलिवेशन है यहाँ पे अच्छा खासा। धन्नो तुम आराम से चलना ठीक है। अरे भाई साहब ये तो खतरनाक एलिवेशन लग रहा है यार। ओह ये तो एडवेंचर हो गया भैया। अबे धन्नो पोटी बंद कर देना, चलते रहो बस। तुम लद्दाख चढ़ के आई हो पूरे लोडेड सामान के साथ। ये सामान तो फिर भी कम है, वहाँ पे तो कैंपिंग वैम्पिंग का टेंट वेंट सब कुछ था तब तुम चढ़ गई थी, तो यहाँ तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा आराम से चढ़ जाएंगे। ये देखो भैया झाड़ वाड़ की सफाई कर रहे हैं। ओए गिलेरी। बे यार ये तो कतई जंगल वाला रास्ता है भैया। आई एम श्योर इधर जानवर वानवर भी होंगे अच्छे खासे। अभी सोचो सामने कोई जानवर निकल के आ गया। हेलो रोबिंग लामा। मैं चुपचाप उधर खड़ा हो जाऊंगा भाई, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। बट ये रास्ता सच में खतरनाक टाइप का भाई। सोचो रात को अगर तुम ये क्रॉस कर रहे हो ये वाला रास्ता, मेरे को ऐसे दुख 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 हो रहा है अभी, पता है कि जानवर ना निकल के आ जाए बस रोड पे। ओ देखो 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 बंदर 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 बंदर। ऐसे ऐसे अभी बंदर गया, वैसे अगर मान लो चीता अगर निकल के आ गया तो क्या करोगे आप, क्या करते कमेंट सेक्शन में ये बताओ। और सामने से रोड पे चल रहे अगर चीता अचानक से सामने आ गया तो। अरे भाई साहब ये कहाँ घुसा दिया। अरे गूगलिया शॉर्टकट के चक्कर में। बेटा तुम किसी दिन हमको समुंदर में मत उतार देना शॉर्टकट के चक्कर में। अपना भी लद्दाख वाला एक्सपीरियंस काम आ रहा है इधर। बहुत ही ज़्यादा कर्व है यार ये तो। ओ भाई ये कम था क्या, कर्व के साथ खतरनाक रास्ता भी स्टार्ट हो गया, मतलब उबड़ खाबड़ रोड ऑफ रोड विथ एलिवेशन एंड कर्व। वेलकम टू कोंकण महाराष्ट्र। अच्छा अब शायद देखो यहाँ से उतर रहा है रास्ता नीचे की तरफ, अभी तक चढ़ाई था। ओके 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 आराम से आराम से आराम से आराम से बेटा आराम से। ओके नारियल और केले के पेड़ दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे दोनों साइड पे। फाइनली भाई हम एक गांव में घुसे। किधर जाना है, इधर जाना है। अरे यार ये क्या रास्ता है यार। ओ भैया यहाँ से दिखा रहा है 26 किलोमीटर और इंस्टा 360 की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मैंने इसको लगा लिया है छोटा वे लोग ऊपरों को सामने। आई होप अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होगा। बांस के पेड़ बहुत सारे यार, बैम्बू ट्री। कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र में राइड करते समय रात को हाईवे नहीं छोड़ना है, खासकर अगर आप अकेले हैं तो। ये बात एकदम अपने मगज में डाल लो। ये हम फिर से हाईवे में आके जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आइसक्रीम ठंड पे, आइसक्रीम और ठंडा पेय पदार्थ मिलता है यहाँ खाने को।
कोंकणी गांव और खेतों की प्रकृति को मन भर के निहारते हुए मैं धीरे धीरे गणपति पुले की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मेरी नजर टिक जाती है एक हरे रंग की दुकान पर। बट ये तो चिकन की दुकान है, ये देखो यहाँ पे मुर्गे का दुकान कुछ ऐसा रहता है। और ये मराठी आंटी लोग अपने प्रॉपर अटायर में, देख रहे हो यार, एक गजब लैंडस्केप है यार, गजब। रोड के लेवल पे एकदम ये पूरा जंगल जो है दोनों साइड। ये आप देख रहे हैं एक मराठी ऑटो। महाराष्ट्र के गांव में टेम्पू कैसा होता है देखो, कितना क्यूट सा टेम्पू है, अच्छे सजा के रखा है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ का लोकल घर, कोंकण का घर के स्ट्रक्चर देखो। ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा पूरे कोंकण बेल्ट में, ऐसे स्लैंटेड ऊपर से। बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, ऊँची ऊँची बिल्डिंगें नहीं है, छोटे छोटे घर है, लेकिन आसपास का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखो इधर घर वर कैसे बने हुए, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। आंटी लोग रेडी हो गए, कहीं तो जा रही हैं, मार्केट वार्केट जा रही होंगी। तो आप एक प्रॉपर कल्चर, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं रोविंग लामा ब्लॉग के थ्रू। अभी आप एक मार्केट देख रहे हैं कोंकण बेल्ट का। ये कोई टेम्पल है, बहुत ही फेमस सा लग रहा है, और लोग अपना मार्केटिंग वार्केटिंग करने आए हैं। इस गांव का नाम है जाका देवी, और जो टेम्पल अभी पीछे दिखा था वो शायद जाका देवी का टेम्पल था, इसलिए इतनी भीड़ दिख रही है। क्या शानदार माहौल लग रहा है, देखो रौनक ला गया अचानक से एकदम ऐसे वीरान रास्ते पे। जाका देवी को प्रणाम करके बाय बाय बोल रहे हैं हम, और हम बढ़ रहे हैं गणपति पुले की तरफ जो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। ऑल इट गाइस, स्वागत है आप सबका गणपति पुले शहर में। और इधर यार पूरा समंदर है भाई, अभी मुझे दिखा था, दिखाऊंगा अभी आपको, रुक जाओ। फाइनली अभी गणपति पुले में अपनी एंट्री हो चुकी है, और थोड़ा मोल भाव करने के बाद मुझे एक शानदार होम स्टे भी मिल जाता है। सो गाइस, फाइनली जो है मुझे इस होम स्टे में रूम मिल चुका है, इसका नाम है लीला। यहाँ अपने धन्नो पार्क है, रूम के आसपास का नजारा है। अब देखो ये अपना रूम है, ये वाला, ये मुझे पड़ा 600 रुपये पर डे, 3 दिन मैं रुकूंगा यहाँ से। और इधर भाई साहब ये देखो बैकयार्ड, बैकयार्ड के नज़ारे देखो भैया, नारियल के पेड़ चारों तरफ। अच्छा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में आपको गणपति पुले और आसपास का एरिया पूरा दिखाऊंगा, घुमाऊंगा। यहाँ पे मैं किस पर्पज़ से आया हूँ वो आपको पता चलेगा, क्या क्या देखने आया हूँ वो आपको पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करके कमेंट कर दो, नहीं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है, भगवान के मंदिर निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।